जय श्री राम। तो आज की वीडियो है दशहरा स्पेशल, तो हम आपको दिखा रहे हैं रावण डॉल से बनाकर एंड श्री राम जी भी। तो यहाँ पर हमारे पास एक पुरानी बड़ी गुड़िया है जिसका हम मेकओवर करने वाले हैं रावण के जैसे। तो हमने कलर कर दिया है, स्किन कलर कैसे बनाते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप घर पर ही ना कलर्स को मिक्स करके बना सकते हैं, आपको स्पेशली खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारा कलर अच्छे से ड्राई हो गया था तो यहाँ पर पहले तो मैंने क्या किया, पेंसिल से बना दी थी आईज एंड ऑल, मूछें मूछें सारी, फिर पेन से बना दी है जो मेरे पास मार्कर था, आप थिन पिन ब्रश से भी बना सकते हैं, और फिर आई फिल कर दी थी तिलक एंड ऑल। स्टेप बाय स्टेप हमें करना है क्योंकि अगर हमने थोड़ा जल्दी की तो हमारा कलर जो है मेस्ड अप हो सकता है और पूरा डॉल ख़राब हो जाएगी, तो हमें थोड़ा पेशेंटली काम करना है। तो जब आई का जो इनर पार्ट हमारा ड्राई हो गया है उसके बाद हमने आईबॉल बना ली है थोड़ी बड़ी बड़ी, क्योंकि रावण की है ना, तो थोड़ी मूछें भी बड़ी, आईज़ भी बड़ी, ये सारी चीज़ें थोड़ी वाइड होनी चाहिए, तो हमने उसी हिसाब से बनाया हुआ है। थोड़े मसल्स भी दिखा रहे हैं कलर करके ताकि वो फील आए कि हाँ भाई रावण है। तो इसके बाद यहाँ पर टीथ हम मुँह थोड़ा खुला हुआ दिखा रहे हैं यहाँ पर, और जो बाल आप देख रहे हैं डॉल के, तो डॉल के हिसाब से होते हैं ना, तो हमें थोड़ा रावण लुक देना है तो थोड़ी यहाँ की तरफ बाल दिखा रही हैं। अब धोती बना रहे हैं, धोती के लिए मैं रेड कलर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, रफली इस तरीके से यहाँ पर बस ग्लू लगाकर हम चिपकाते जाएंगे। आप चाहें तो सुई धागे के इस्तेमाल से भी ये काम कर सकते हैं, बट इससे इंस्टेंटली जल्दी जल्दी हो जाता है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो धोती हमारी बन गई है, बहुत इजी वे है। अब एक और कपड़ा छोटा लेकर आगे से पीछे की तरफ लेकर जाते हुए पीछे टक कर देंगे, तो हमारी देखिए धोती भी कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो गई है। अब धोती के ऊपर एक कपड़ा रहता है, तो मैं यहाँ पर हरे रंग का कपड़ा ले रही हूँ, कोई भी कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट ओवर कपड़े इस्तेमाल करके बना सकते हैं, और इन्हें बस इस तरीके से मैं यहाँ चिपका दूँगी, सेट कर दूँगी एक्चुअली। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लेस, तो लेस से ही ना इनके ऑर्नामेंट्स दिखाने वाले हैं, क्योंकि रावण था भाई लंकापति रावण, तो भी सोने की लंका एंड ऑल, तो सोने की ऑर्नामेंट्स तो होंगे ही, तो यहाँ पर उसका लुक देने के लिए लेस ले रहे हैं। लेस से ही हमारी जो है सारे आर्म्स और वो सब नेकलेसेस वगैरह वो सारी चीज़ें हम इसी से बनाने वाले हैं। तो ये भी हमारी टीप बन गई है। तो इसके बाद मुकुट बना रहे हैं, मुकुट को हम इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे पीछे की तरफ, और मैं यहाँ पर देखिए पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे गुड्डे बिस्किट या कोई और इनविटेशन कार्ड होता है ना, वैसा हार्ड पेपर लेना है। और मैंने हेड्स बनाए, तो हेड्स की डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से, मतलब वो रावण के फेस के दोनों साइड जाने वाले हैं, तो एक तरफ चार होंगे एक तरफ पाँच रहेंगे। और ध्यान रखें कि जो पेंट हमने वहाँ फेस बना के ऊपर किया था बॉडी के ऊपर, वही हमने थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ था, तो उस वही कलर हमने यहाँ कर दिया है। कलर जब सूख जाएगा तो यहाँ पर मैं पेंसिल से अगेन आईज आईब्रोज वही सेम मूछें एंड ऑल सब बना देंगे, उसके बाद मैं पेन से इनको एक अच्छा लुक दे रही हूँ ताकि वो विजिबल हो अच्छे से। तो सारी चीज़ें अभी देखिए एक साथ हम जब बना देंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने इसी पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो आईज़ की डायरेक्शन आप अलग अलग रखिएगा ताकि वो फील आए कि हाँ जो सर हैं वो सारे बस स्टैचू जैसे नहीं हैं, अलग अलग तरह देख रहे हैं सारे अलग अलग पोजिशन में। उनके बाल की लुक देने के लिए भी थोड़ा नीचे ना बालों को भी ब्लैक कलर दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें सारे हेड्स बनाने हैं, बट आप आईज़ की डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट दिखा सकते हैं ताकि वो लगे कि इधर उधर देख रहे हैं। तो ये देखिए हमने सारे बना दिए हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आईज़ का जो इनर पार्ट होता है उसमें भी वाइट कलर कर रहे हैं, जो रावण का तिलक रहता है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें डॉट रहता है, मतलब जो भी बारीकियाँ हमने फेस में की हैं एक्चुअल मेन फेस में, वही सारी चीज़ें हमें इसमें भी करनी है, तो तभी वो अच्छा दिखेगा। अब इसका कटआउट हमें लेना है, तो आपने देखा कि हमने ऊपर माथे के ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा छोड़ा हुआ, वो मुकुट के लिए छोड़ा हुआ कि वहाँ पर हमें मुकुट लगाना है, तो वही जो सेम लेस हमने वहाँ मुकुट के लिए की थी वही छोटा पार्ट लेकर इसके मुकुट हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब डायरेक्शन क्यों हमने बोला था, डायरेक्शन इसीलिए बोला था, देखिए यहाँ इस तरफ चिपकाने के लिए वो उस तरफ, तो अगर हम पहले भी इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में परेशानी हो सकती है। तो हमारे ये देखिए हेड भी आराम से चिपक गए हैं। अब उसका जो एक कोई भी औजार वगैरह आपको बनाना वो बना सकते हैं, सेम पेपर के ऊपर हमने ड्रॉ करके कलर कर दिया है, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसको भी हाथ के ऊपर, क्योंकि सारा हमने पेपर से बनाना तो ईजिली हम चिपका सकते हैं, क्योंकि बहुत लाइट वेट में होता है, और थोड़ी सी और ज्वेलरी थोड़ी सी पाँव में जो रहते हैं ना वो भी लगा देते हैं। हाँ जनेऊ भी रावण जी पहना करते थे, तो वो भी हम भूल गए थे, तो उसे एंड में हम पेंट कर रहे हैं,
मीन्स वो ज़रूरी है। तो ये देखिए हमारे रावण जी तो यहाँ बिल्कुल भयंकर रूप में जो है ना तैयार हो गए हैं पूरे सर्वर के साथ। तो अब इसके बाद क्या बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे श्री राम जी। तो श्री राम जी को बनाने के लिए हम जो है ना डिफरेंट डॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए, तो ये हमारी थोड़ी छोटी डॉल है क्योंकि रावण का तो एक विशाल का रूप होता है ना जो युद्ध में उसने दिखाया था। तो हमने डॉल को थोड़ा छोटा साइज़ में लिया है रेगुलर। अब इसमें थोड़ा लाइट ब्लू कलर दिया है कलर एंड आईज एंड आईब्रोज सेम लाइक वैसे ही। और बाय द वे आज की वीडियो का क्विज ये है, आपको हमें ये बताना है कि रावण का वध कैसे हुआ था, मतलब वो जो उनको तीर लगना था वो कहाँ एक्चुअली उनको लगा था जिससे कि उनका वध हुआ था। तो जिन जिन को भी बताना जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड बहुत ही इजी आंसर, आई एम श्योर रामायण तो सभी ने देखी होगी, सबको बहुत अच्छी लगती है ना, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और बस यहाँ पर तिलक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स हमने यहाँ पर दिखाए हैं राम जी के। राम जी सॉफ्ट नेचर वाले जो होते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनका फेस भी वैसा ही मतलब मासूम सा हमें बनाना है। तो आईज वगैरह यहाँ पर बना देंगे। देखिए छोटी छोटी डिटेलिंग का ध्यान रखिए कि उससे बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। बाल यहाँ पर मैं ये निकालूंगी भले ही ये ब्लैक कलर है, क्योंकि हमें जो बनाने ना वो थोड़े डिफरेंट से बनाने हैं, तो प्यारे से मतलब जो हम रेगुलर बनाते हैं। तो बस पहले ब्लैक पेंट कर देंगे हेड के ऊपर ताकि हमारा बेस रेडी हो जाए। और ये जो मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ ना, ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो उनके पीछे जिसमें तीर वगैरह रहते हैं ना उसका जो पार्ट फ्रंट में दिखाने के लिए। अब उनकी जो धोती है यहाँ पर मैं येलो या फिर आप सेफ्रन कलर जो भी आपको यूज़ करना है वो कर सकते हैं। तो अगेन वैसे ही जैसे हमने रावण की बनाई थी ना वैसे ही धोती यहाँ पर उनकी भी बनाने वाले हैं। और जनेऊ हमने ऊपर की तरफ पेंट कर दिया क्योंकि पहले ब्राउन किया था तो वो अंदर हो गया था, तो हमने ब्राउन वाइट कलर कर दिया था जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे अभी वीडियो में। तो ये हमने अच्छे से सेट कर दी है पीछे की तरफ। और यहाँ एक पटका टाइप रेड कलर का लगा रहे हैं ज़्यादा ऑर्नामेंट्स, क्योंकि आपको पता है वनवासी उसमें थे उस टाइम पर, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं विग बना रही हूँ, तो विग बनाने के लिए ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लेंथ के स्ट्रैंड्स कट कर ली है, एक स्टिक ले ली है, उसमें इस तरीके से नॉट्स बांधते जाएंगे। और हमें एक ना बंच रेडी करना है, हमें जितने भी वॉल्यूम के बाल चाहिए उस हिसाब से कर देंगे। आप चाहें तो जो आपके रेगुलर डॉल के बाल हैं आप उससे भी कर सकते हैं, बट मुझे ये वाले पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप देखना वीडियो में पीछे करके और आगे करके कि वो कौन से अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो नेचुरल वाले हैं वो तो आप रावण के देख ही रहे हैं वैसी लुक आती, और जो इससे बनाएंगे वो डिफरेंट आने वाली है। तो जब सूख जाएंगे ना तो वो हम इस तरीके से बंच रेडी हो जाएगा। पर ये एक और मैं गोला सा बना रही हूँ जो वहाँ पर बन रहता है ना राम जी के सर के ऊपर वैसे ही। तो ये जो हमने बंच रेडी किया था उसको हम ग्लू लगा कर सेट कर देंगे एक ही बारी में ही, क्योंकि हमने वो थोड़े ज़्यादा लिए थे। तो अब ये जो हमने बनाया था उसको भी चिपका देंगे। तो ये लग रहे हैं ना बिल्कुल नेचुरल वैसे ही बाल। और ये मेरे पास बॉल चेन है जिससे हम उनके ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, क्योंकि वनवासी लुक में जो जो ज्वेलरी रहती है वो तो बिल्कुल ऐसे आपके वो जो बीड्स की रहती है ना वही रहती है, तो हम उसका लुक देने के लिए इसी चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारे जो हैं आर्म्स के हों या नेक चेन हों वो सारी चीज़ें हम इसी से बनाने वाले हैं। बाय द वे डॉल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगी, आप चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। हमने तो राम दरबार भी दिखाया हुआ है बहुत पहले की वीडियो में, पर इसमें था कि नहीं ब्लू कलर में राम जी दिखाने हैं। तो यहाँ पर हम धनुष बना रहे हैं, तो धनुष हमने सेम पेपर का इस्तेमाल किया है। और देखिए यहाँ पर हमने कलर ब्राउन कलर ही किया है, और बाद में थोड़ी डिटेलिंग दे देंगे और उसके बाद हम इसका कटआउट ले लेंगे। जब पूरी डिटेलिंग कंप्लीट हो जाएगी ना तो उसके बाद हम इसका कटआउट करके, क्योंकि ये इतना हल्का है कि आराम से हम जो हमारे राम जी हैं उनके हाथ में इन्हें पकड़ा भी सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो बस यहाँ पर देखिए अब जिसमें तीर रखे जाते हैं ना वो बना रहे हैं, उसे एक ब्राउन पेपर लेकर उसे कोन शेप दी। अगर आपके पास ब्राउन पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेपर को कलर करके बना सकते हैं। तीरों को भी हमने सेम पेपर से इस्तेमाल करके बनाया हुआ है, इनको इसके अंदर डाल देंगे। एंड ये जो हमारा जो ये धनुष है उसको हमें एक हाथ में पकड़ा कर और तीर भी हमने हाथ में पकड़ाया ताकि अच्छी सी लुक आ जाए। और ये जो बना है उसको पीछे हम चिपका देंगे। वैसे भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा जो पीछे कमान जिसमें तीर हमने रखे हैं उसको क्या बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो मुझे बता
बताना कमेंट सेक्शन में प्लीज़। और इतनी यहाँ पर देखिए धनुष हमने बना दिया था, पर धनुष की जो धागा डोरी रहती है ना वो हमने थोड़ी सी मोटी रखी है ताकि वो विजिबल हो, अच्छी लगे। तो वो देखिए सेट हो गया है सारी चीज़ें हाथ में, और हमारे श्री राम जी बनकर भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं ना। तो देखिए ये है हमारा पूरा स्वरूप जो हमने दशहरे के लिए बनाया हुआ है। रावण हमने पेपर से तो बनाए हुए हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, बट डॉल से पहली बार बनाया है। तो ये देखिए श्री राम जी और हमारे रावण बिल्कुल तैयार हो, इनका युद्ध बनाने की भी मैं कोशिश करूँगी, तो वीडियो में आपको आगे ज़रूर कोई ना कोई वीडियो में दिखेगा, तो आप देखते रहिएगा ज़रूर। तो बिल्कुल रेडी है युद्ध करने के लिए, ऑब्वियसली हमारे श्री राम जी जीतने वाले हैं, और फिर दिवाली आने वाली है, बहुत सारे क्राफ्ट आने वाले हैं। तो बस ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप आने वाली बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस को एंजॉय कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।